हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगी। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी सीडीपीओ मेंस एग्जामिनेशन में जीएस पेपर वन और जीएस पेपर टू में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब सब्जेक्ट में से कौन कौन टॉपिक पढ़ा जाता है इसके बारे में बताया जा रहा था। आप लोग का भारी डिमांड था, बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम और ये जीएस पेपर वन जीएस पेपर टू में कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो बता दीजिए और साथ ही साथ में कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन टॉपिक आते हैं इसके बारे में बता दीजिए। तो एक वीडियो उस पर बन चुका है, जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग जाके देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में दो पेपर होते हैं और एक ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो जी पहला जो पेपर होता है जीएस पेपर वन और जीएस पेपर टू होता है। जीएस पेपर वन में तीन सब्जेक्ट होते हैं, जिसको मैंने देखिए यहाँ अच्छे से अब आसान भाषा में यहाँ पे लिख दिया है। जीएस पेपर टू में चार सब्जेक्ट होते हैं। मैंने जीएस पेपर वन में से सबसे पहले हिस्ट्री जो आता है, हिस्ट्री में एशियंट और मेडिवल नहीं आता है, यानी कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ आपको आधुनिक पूछा जाएगा, ठीक है? यानी मॉडर्न पूछा जाएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में बता दिया गया है। जो भी स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग देख लीजिएगा। आज के सब्जेक्ट में बताने वाली हूँ, यानी कि आज का जो सब्जेक्ट है यानी सेशन में करेंट अफेयर इन जीएस पेपर टू का जो दूसरा सब्जेक्ट है वो करेंट अफेयर है और तीसरा सब्जेक्ट होता है वो डीआई होता है, यानी सांख्यिकी कहा जाता है, ठीक है? तो करेंट अफेयर में किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ पे आपको कमांड करना है, इसके बारे में आपको इस सेशन में बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि जीएस पेपर वन में तीन सब्जेक्ट, जीएस पेपर टू में चार सब्जेक्ट, दोनों 300 नंबर के होंगे और एक आपका ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल आपकी मर्जी से, जो भी आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं वो आपकी मर्जी होगी, ठीक है? तो हम लोग आज बात करते हैं करेंट अफेयर की, करेंट अफेयर में किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। साथ साथ मैं आपको बुक भी बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं करेंट अफेयर में किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो देखिए मैंने इसको भी लिख रखा है कि 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में जीएस पेपर वन में करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ें, ठीक है? तो क्या क्या पढ़ें, तो देखिए आपको पता है कि आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी देखना है आपको, नेशनल भी देखना है और इंटरनेशनल भी देखना है आपको। अब कैसे देखना है, कैसे कमांड करना है, ये मैं बताती हूँ आपको। तो आप लोग तो ये समझ गए होंगे, दो करंट अफेयर को आप लोग को रखना है, बिहार स्पेशल और नेशनल इंटरनेशनल, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो देखिए पहला जो है कि न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है? अब इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कहेंगे मैम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, बहुत सारा है जो द हिंदू वगैरह, जो नहीं आपको वो सब न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना। एक हिंदी भाषा का न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई भी इंग्लिश भाषा का न्यूज़पेपर नहीं पढ़िए, हिंदी भाषा का आप एक न्यूज़पेपर पढ़िए कोई भी। मैं आपको अपना जो पढ़ती हूँ मैं आपको बता देती हूँ, मैं दैनिक जागरण पढ़ती हूँ, मेरे पास पेपर भी है, देख लीजिए। मैं हमेशा अपने डेली पढ़ती हूँ, उसी को डेस्क पर रखती हूँ, 102 बार जरूर करती हूँ दैनिक जागरण। देखिए ये दैनिक जागरण पेपर है, इसी को मैं पढ़ती हूँ, ठीक है? तो कोई भी एक दैनिक जागरण कोई भी आप पेपर ले लीजिए, आज है, हिंदुस्तान है, कोई भी आपको जो भी आपके आसपास में उपलब्ध है वो भी न्यूज़पेपर डेली लिखिन रखिए, डेली आपको पढ़नी है, ठीक है? उसमें जो हाइलाइटेड चीज़ है, जो देश दुनिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है, जैसे आपको पता ही है अभी हिजाब पे बहुत ज़्यादा सनसनी बढ़ी हुई है, तो उसके बारे में पूरा डिटेलिंग रखिए, ठीक है? पूरा उसको अच्छे तरीके से कवर करिए अपने न्यूज़पेपर से पढ़ के, ठीक है? तो पहला जो पॉइंट है वो खत्म हो चुका कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, कोई भी आप उठा लीजिए। दूसरा धेई आईएएस का स्मॉलेस्ट वीडियो देखिए। देखिए धेई आईएएस जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले। उस पर शॉर्ट वीडियो आता है, किसी भी व्यक्ति का जन्म तिथि, पुण्यतिथि, इसके अलावा जो देश विदेश में हो रहे हैं उसके बारे में छोटा छोटा 5-5 मिनट का वीडियो डाला जाता है, ठीक है? तो उसको देखना है आपको। फिर उसी तरीके से दृष्टि आयुष को भी फॉलो करें। दृष्टि आयुष में जो छोटा छोटा इंडियन गवर्नमेंट के जो भी काम हो रहे हैं, इसरो द्वारा जो रॉकेट भेजे गए हैं, कुछ कुछ ऐसे काम है जो छोटा छोटा करके आए दृष्टि आईएएस और धेई आईएएस पर वीडियो आता है, उसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए धेई आईएएस का वीडियो है ना जो 5 मिनट तक, लगभग 5 मिनट का रहता है, लेकिन दृष्टि आईएएस का रहता है 2 मिनट का रहता है, मुश्किल से 2 मिनट का रहेगा। अब उसके बाद देखिए सनसेट टीवी देखिएगा, सनसेट टीवी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किस तरीके से डिबेट होता है, ठीक है? थोड़ा सा मतलब टाइम निकले, जैसे टीवी वगैरह जो भी स्टूडेंट देखते हैं तो वो टीवी अगर देखते हैं तो सनसेट टीवी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है? इसको आप थोड़ा सा नॉर्मल में रखिएगा, ठीक है? ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आप टीवी वगैरह देखने को शौकीन है तो सनसेट टीवी थोड़ा सा 1-1.5 घंटा आधा घंटा देख लीजिएगा। अब आती है बात कि बिहार स्पेशल करेंट अफेयर। तो देखिए बिहार स्पेशल करेंट अफेयर के लिए एसपीडी का करेंट अफेयर बेस्ट है। उसके अलावा जब आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा, जिस भी आप स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का न्यूज़पेपर पढ़िएगा, तो बिहार, अगर आप बिहार में नहीं है, बिहार के अलग से हैं,
कोई और स्टेट के हैं तो बिहार स्पेशल न्यूज़ ज़रूर देखिएगा, ठीक है। टीवी पे बिहार स्पेशल न्यूज़ आता है, ये पेपर आता है उसको आप पढ़िएगा। तो जो भी स्टूडेंट बिहार के हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मंथली मैगजीन आता है। और कौन सा मंथली मैगजीन लेना है तो मैं आपको बता देती हूँ, एक SPD का वन लाइनर आता है, आपको वन लाइनर नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा, वन लाइनर नहीं। मैगजीन का मतलब होता है एक पूरा डिटेलिंग लिखा हुआ, पूरा उसके सार लिखा हुआ, वो मैगजीन खरीदिएगा मंथली वाला। उससे अच्छा मैं आपको कहूँगी जो पेपर पढ़िएगा और न्यूज़ TV पर देख लीजिएगा, उतना ठीक है आपके लिए। उसके बाद देखिए भारत और बिहार की कुछ नई नई जो योजनाएं आ रही हैं उस पर आपको एकदम गहरी नज़र रखना है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में है ये लास्ट वाला, कि भारत और बिहार सरकार की जो योजनाएं चलाई जाती है उस पर आपको कमांड करना है कि कौन सी नई सड़क बनाई गई, उसको सड़क बनाने का माध्यम क्या था, क्या जो पहली बार ऐसा हुआ, जैसे ग्लास ब्रिज, आपको पता है राजगीर में ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, तो पहली बार हुआ, ठीक है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे आसपास में सबसे हाईलाइटेड मुद्दा चल रहा है, चाहे वो राजनीतिक से लेकर हो या आपके किसी भी तरीके से लेकर हो, या फिर महिलाओं को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, इन सब को, या फिर साइबर क्राइम को लेकर हो, इन सब को आपको गहरी नज़र से देखना है। और एक न्यूज़ मैं आपको बताती हूँ, जीव न्यूज़ करके सुधीर कुमार चौधरी जी का DNA रिपोर्ट आता है 9:30 से 10 के बीच में, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वो मोबाइल पे भी आपको मिल जाएगा, और जिनके घर में TV है वो TV पे देख लीजिएगा, पूरे परिवार के साथ बैठ के देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसमें ये चीज़ है कि वो पुराने वाले 3-4 क्वेश्चन रिपीट करते हैं जो पहले बीत चुके हैं इतिहास में, उसके अलावा जो देश दुनिया में हो रहा है उसको शॉर्ट में बताते हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बस आपको करेंट अफेयर में GS Paper 2 में, GS Paper 1 के जो दूसरा सब्जेक्ट है करेंट अफेयर, बस उसमें आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया, अब मैं आपको बुक बताती हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं BPSC में, तो उसके लिए मैं बुक बता रही हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं बुक आपको पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है BPSC में, उस वो आपको देखने के लिए बता रही हूँ। ये जो बुक मैं बता रही हूँ आपको, KVC Nano पब्लिकेशन की ये बुक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक इसमें सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए। 1993 से लेकर 2020 तक के जितने भी, यानी कि अब जो नया वाला लीजिएगा 2022, यानी 66 BPSC का भी इसमें ऐड रहेगा, ये मेरे साथ 1 साल पुराना है, नया वाला लीजिएगा आप लोग को 66 BPSC तक रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से करंट अफेयर पूछा गया, आपको अनुमान लग जाएगा कि किस तरीके से करंट अफेयर पूछा जाता है, उसी तरीके से आप अपना करंट अफेयर तैयार करिएगा। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर समझना है ना तो पहले उसके नींव को समझिए, और नींव को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि BPSC किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है करेंट अफेयर में। फिर आप खुद देखिएगा कि आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है न्यूज़पेपर से या न्यूज़ देखकर, क्या आपको वहाँ से कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद फिर नया कुछ अपना तरीका अपनाइएगा, लेकिन पहले आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप करिएगा, ठीक है। तो ये बुक है, इस बुक में आपको पूरा जितने भी BPSC ने अभी तक क्वेश्चन दे रखा है, दिया है, लिया है, यानी कि स्टूडेंट लोग से सब कुछ इसमें दिया हुआ है, KVC Nano पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप करेंट अफेयर अच्छे तरीके से, वन ध्यान दीजिएगा, वन लाइनर नहीं लेना, सबसे पहली बात तो वन लाइनर करेंट अफेयर आपको नहीं लेना है, आपको पूरा का पूरा सार वाला करेंट अफेयर लेना है। और सार वाला करेंट अफेयर आपका आता है वो दृष्टि का आता है, दृष्टि IAS का ही सार वाला आता है, तो मार्केट में जाइए, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। लेकिन मैं उससे भी अच्छा आपको कहूँगी, कोई भी बुक लेने के बजाय आप न्यूज़ पे नज़र गड़ाइए, पेपर पढ़िए, बस उतना ही बहुत ज़्यादा है, उतना ही आपका। और साथ साथ में ध्यान दीजिएगा, बिहार स्पेशल करेंट अफेयर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप बिहार PCS की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार की जानकारी आपको ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जैसे कि आज ही बिहार विधानसभा के एक स्थापना दिवस या फिर कोई एक समारोह के रूप में मनाया जा रहा है तो भी जरूर TV पे आ रहा था, तो उसको देख लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा देखा था, पूरा नहीं देख पाई हूँ, लेकिन मैं जरूर अपने मोबाइल में जरूर देखूंगी उसको, तो वो देख लीजिएगा। जो नया योजना चल रहा है बिहार में उसको नज़र गड़ा रखिएगा, उसी से आपका बिहार स्पेशल करेंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे GS Paper 1 में, सेकेंड जो आपका सब्जेक्ट है उसमें। तो आज के सेशन में मैंने आपको बता दिया कि GS Paper 1 में जो दूसरा सब्जेक्ट है करंट अफेयर, उसमें किस तरीके से पढ़ा जाए। अब जो बचा हुआ DI जिसको सांख्यिकी कहा जाता है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, और इसके लिए कौन सा बुक आप फॉलो करिए, क्या प्रीवियस क्वेश्चन बैंक कौन सा फॉलो करिए, इसको मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही, और जाते जाते मैं बता देती हूँ, जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से
अभी तक ज्वाइन नहीं है वो लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो के मिल जाएंगे। मैंने जितना भी क्लास नोट्स है, आस्था आईएएस, धी आईएएस और भी ना जाने जो बड़े बड़े दृष्टि आईएएस वगैरह कोचिंग है, उसका आपको पीडीएफ मैंने डाल रखा है। और इसके अलावा जिस भी स्टूडेंट को चाहिए, मैंने जो भी स्टूडेंट को चाहिए जो सब्जेक्ट का, अगर मेरे पास रहता है तो मैं उनको ज़रूर सेंड कर देती हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको आस्था आईएएस का कुछ कुछ आपका जो सेट प्रैक्टिस है वो भी मैं आपको डालते रहूँगी। नए नए जो अपडेट आएंगे बीपीएससी से, वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।